અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મેટ્રો ટ્રેનનો બીજો ટેસ્ટ એપરલ પાર્કથી અમરાઈવાડી સુધીના મર્યાદિત ટ્રેક પર કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદમાં જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે તે અમદાવાદ મેટ્રોનું બીજો ટ્રાયલ રન આજે થયું હતું. ગુરુવારે પહેલીવાર બપોરે ટ્રેન એપરલ પાર્કથી નીકળી હતી અને વસ્ત્રાલ જવા રવાના થઈ હતી. મેટ્રો ટ્રેનની પ્રથમ ટ્રાયલ બાદ એવી આશા સેવાઈ રહી છે કે જાહેર જનતા માર્ચ મહિનાથી અમદાવાદની મેટ્રો ટ્રેનની મુસાફરી કરી શકશે. એપરલ પાર્કથી શરૂ થયેલ ટ્રાયલ રન અમડાઈવાડીથી સુધીનો ટેસ્ટ કર્યો હતો. મેટ્રો ટ્રેને ત્રણ કોચ સાથે પ્રથમ ટ્રાયલ પૂર્ણ કરી હતી. હાલમાં ડ્રાઈવર સાથે ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે અને ભવિષ્યમાં આ ટ્રેન ડ્રાઈવરલેસ પણ થઈ શકશે. આ ટ્રેન એક ઓપરેશન કંટ્રોલથી કનેક્ટ રહેશે. અમદાવાદ શહેરમાં BRTS બાદ મેટ્રોની સેવાનો લાભ લોકોને મળશે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરમાં બીજી ટ્રાયલ બાદ મેટ્રો દોડશે, ત્યારબાદ સુરતમાં મેટ્રો ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવશે. अभी तक हमारे कोचेस का डिपो के अंदर ट्रायल रन चल रहा था और 31 जनवरी को हम लोगों ने अपने डिपो के टेस्ट में ट्रायल रन किया. कल से हम लोगों ने वायाडक्ट के ऊपर ट्रायल रन शुरू किया है. अभी दो स्टेशन के बीच में ट्रायल रन चल रहा है, अपरेल पार्क से लाइन, और धीरे धीरे अगले एक हफ्ते में हम लोग पहले 6 स्टेशन अपरेल पार्क से वस्त्राल गांव के बीच में अपना ट्रायल रन पूरा करेंगे. एक बार ये हमारा ट्रायल रन पूरा हो जाए उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अर्ली मार्च में जब भी तारीख फिक्स करेगी हम लोग कमर्शियल रन करने के लिए तैयार हैं. वो सब नॉर्मल रूटीन चीज़ें हैं. शुरू में जब कोच पहली बार चलता है उसका कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, ब्रेक एडजस्टमेंट हुआ, कहीं पे कुछ माइनर प्रॉब्लम होती है, वो सब अटेंड होते रहते हैं. कोई भी ऐसा मिस्टेक इशू नहीं है. अगर पावर सप्लाई मान लीजिए किसी टॉरेंट वगैरह के फेलियर से होती है तो एमरजेंसी में दूसरी पावर सप्लाई फीडिंग का सिस्टम रहता है, और अगर ट्रेन किसी वजह से किसी ब्रेकडाउन की वजह से अगर बीच वायाडक्ट पे रुक जाते हैं तो इवैक्यूएशन साइड इवैक्यूएशन सिस्टम है. उसमें भी लोगों को ड्राइवर डोर खोल के वायाडक्ट के ऊपर एक वॉकवे बना हुआ है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे कोई ना कोई स्टेशन पर जाना है, तो वहाँ तक लाके स्टेशन पे रुक. मेट्रो ज़्यादातर सिमिलर फैसिलिटी की है दिल्ली के ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी. हम लोगों की आगे चलने वाली है और शुरू से ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर चलेगी. मगर शुरू में इसमें ड्राइवर अवेलेबल रहेगा जो कि सुपरविजन के लिए रहेगा, और लोग फैमिलियर हो जाए सिस्टम से तब तक ड्राइवर एक उसमें अवेलेबल रहेगा. जयेश प्रजापति साथ अनेस गुजरात न्यूज़ अहमदाबाद.